आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए, जबकि वहाँ पे शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं। अभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए, जबकि वहाँ पे शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसे काम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं और जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं वो फुल वीलॉग देखने के लिए मेरे वीलॉग के साथ फेसबुक पे भी है और ट्विटर पे भी है, फुल आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे निगेबान पाकिस्तान पे। मैं हूं आपका होस्ट मुनीर शाह। मैंने ये आपको पता अवॉइड करता हूं, मैं गश्तियों की भी इज्जत करता हूं, लेकिन जो हद से तजावज कर जाए और फिर हाँ फिर आओ मीन साहब ला लेना जो मर्जी लगा। ये मोहतरमा जो है ना, ये जो कह रही बाहर जो लैटरीने होते हैं उसके ऊपर चैप्टर आ रहा है। इसकी माँ ताहिर खान जो SPN और एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो दाढ़ी वाला जोहर वाले का टोन रहता, वो इसकी माँ को सप्लाई करता था आगे बड़े भैया जहीरुल इस्लाम आबाद से, क्या पलवेशा का खामन जो DGISI था उसको मैं बात कर रहा हूँ, ओपन कराँगे थोड़ी ऐसी तैसी फोन के रखांगा, हमें कहा जी लैटरीन साफ करते हैं, एक बात हो गया। दूसरा ये खुद पूछे जी, ये प्रोग्राम है ना मजाक रात, इसका होस्ट वासे चौधरी, डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है। अच्छा जी, ये इसके नीचे कितनी दफा लेटी ये इससे पूछा जाए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कितनी दफा इसके नीचे लेटी तो इस प्रोग्राम में आया कि मुझे प्रमोट करो, तो इसकी माँ भी उसके नीचे, वो मुझे कन्फर्म नहीं पता कि वासे चौधरी ने वो गुड़ वाले चावल इसकी माँ वाले भी खाए कि नहीं खाए, तो वो तो हर जगह कहते ना आज ओपन दावत है कि लंगर खुले आज तक लाकर, तो ये हमें बकाया रही कि लैटरीने धोते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले पूरे पार के साथ बात करेंगे, इधर उधर की तो बात ही नहीं है ना हमने करनी। पाकिस्तान में PC होटल है या वारी है या और कोई 5-star 4-star वगैरह है, कराची में है, पिशावर में है और फैसलाबाद में, सरीना मेरे ख्याल ये दूसरे भी क्यों बन गए, सरीना क्वेटे में भी है, इस तरह करके जो होटल 4-star 5-star है वहाँ पे वो बंदे हैं साफ करने वाले, सही नहीं साफ करते, जो इसको रूम सर्विस कहते हैं, ये बात नोट करना, वो रूम सर्विस होते जाके जो जोड़ा वहाँ पे आया होता या मेहमान आए होते या जो भी मौलवी साहब आए होते हैं, जिस तरह सरीना में आके इंजमामुल हक साहब भी ठहरते हैं वगैरह वगैरह, बारिश आदमी शरीफ बंदा। अच्छा जी, वो जब चले जाते हैं चेकआउट उसको कहते हैं मेरा ख्याल है, उसके बाद उस कमरे को सही करना आता है, वो मुसलमान लड़के है जो वहाँ पे तपड़ी मारते हैं, जो बेडशीट तब्दील करते हैं, जो वह डस्टबिन साफ करते हैं जिनमें FL वगैरह पड़े हुए होते हैं, जिसमें क्या पैड भी पड़े हुए होते हैं तो पूंजन भी पड़े हुए होते हैं, फिर लैटरीने भी उनकी वो साफ करते हैं, ईसाई नहीं वहां पर साफ, मुसलमान लड़के साफ करते ये ओवरऑल ये दे ले, एक तो वो बात हो गई। यहाँ पे अब आज बाहर की बात है कि ये जो मैंने मेरे 12-14 जितना नौकरियां तो 12-14 जगह पे काम किया हुआ, मैंने आज तक किसी में भी लैटरीन साफ नहीं की, होटलों में भी रहा। हाँ वो होता था जिस जगह पे लगे हुए जो हम टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वो मिलजुल के सारे जो बंदे हैं पाकिस्तानी या इंडियन या श्रीलंकन या फलाना ढमकाना भी आज तेरी बारी आज तेरे, क्योंकि जर्मन में गुजंद आमत उसको कहते हैं, महकमा सेहत बहुत खतरनाक है, खतरनाक मैं बता रहा हूँ, सख्त नहीं खतरनाक कर देता है, तो वो वहाँ पे लैटरीने वगैरह साफ करनी पड़ती अपनी, जहाँ पे हम पेट धोते हैं वो अपनी अगर करे। आज मैं इस बारी कल जनाब अली गुराया था सियालकोट का नन्नू गुराए का था, कर साड़िया ने 64 पेंट ने वो भी साफ करता था, फिर एक और थे हमारे और भी कितने वाले, मैंने नाम ही सोचा कि जो चौधरी होते वो भी अपनी साफ कर रहे हैं। उसी में पब्लिक टॉयलेट भी है, वो यकीन करो कि मालिक की हिंदू था वो, उसकी की भी थी बीवी तो निका नमक कोई नहीं था, वो खुद करती थी। कैसा ये बात हो गई, पता इन्होंने करनी, तो ये अगर हिंदुओं में 4 गालियां देते हैं तो हम 15 गालियां देते हैं,
और लास्ट टाइम भी जब मेरे से उसके साथ तो मैं तो हुई थी, तो मेरे ख्याल उन्हें 2-3 दी थी, तो मैंने 100-150 दे दिए होंगे, अंदाजन बता रहा हूँ कि राज्य के दे दिए, ये बात कोई नहीं। रूम सर्विस इधर भी है, वो ये मजबूर तो नहीं करते, वो कहते रूम सर्विस से भी वो कुल्लो हम उसकी चाबी उसको देते हैं, उसके अंदर तमाम डस्टिंग, तमाम पर्दे सीधे पदरे करने, तमाम अंदर डस्टबिन उसको साफ करना वगैरह वगैरह, ये वाला वो काम करता है, वो ना करो, वहां पे पैसे जो मिलते हैं। फिर बाज कहता है ऐसे होता है कि वो जो छोटी मोटी रकम भी भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं, आओ कान बच्चा को, ये हमारी पाकिस्तानियों की आदत है, वरना वहां पे जमा करवाई जाती है। फिर अगर छोटी रकम वो आता भी नहीं है, तो कोई मेरे जैसा छूम जिसको कहते हैं वो होएगा, वो आया यार मैं तो 5,000 रुपये भूल गया सी, तो वो यार मैं नंगा कहता ला लाँगा रख लेना, अच्छा कहेगा फिर उसकी खिचत तो ही होती, तो खुदा कॉफी करो वगैरह वगैरह, ये बात करनी थी। अब मोहतरमा ये कहती वहां के तो वो दूसरा और जो कंजर पूरा खानदान ही कंजर है, वो कैसर पिया, इसके इतने गलीज ड्रामे हैं, जब भी कहीं फेसबुक पे नजर आ जाता मुझे घिन आती, मैं अकेला होता फिर भी नहीं देखता, इतने गंदे ड्रामे होते हैं, क्या इसकी माँ बहन बीवी बेटी नहीं देखती होगी, वो देखती इस वजह से मायने कहते, वो भी उसी कबाइल के है भाई, 5-10,000 नोट करके ये वो वगैरह वगैरह चला गया। इनको ये नहीं ख्याल बाउआर बाइट कहते कंस्ट्रक्शन का, जो माइनस यहाँ पे मेरे जो जिला है ना वहां पे आमतौर पे 1-2 दिन माइनस जो है ना वो 16-17-18-19 तक जाता है, तो जो मेरे भाई उधर रहते उधर अक्सर ही माइनस रहता है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, हाथों पे चिंडियां पड़ी हुई हैं, और गर्मी में आजकल गर्मी पड़ रही है, यहाँ की गर्मी और तरह की, तो पाकिस्तान में तो 42-43 तक बर्दाश्त करते थे, यहाँ पे जो 30-30+ है ना वो ही नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि बुखारात वगैरह निकल रहे होते, सारा पानी जो है ये पानी पूरा पूरी एक किलोमीटर पूरे के पूरे जजीरे पानी में ही है एक किस्म का, तो पानी जगह जगह चश्मे फूटे हुए, यहाँ की गर्मी और काबिल बर्दाश्त नहीं होती। कल मैंने जाना था कोई मेरे ख्याल 1 किलोमीटर वॉकिंग करने जाना था, तो 4 मैं वक्फे लेके गया, गर्मी पड़ रही थी वगैरह वगैरह। अब मैंने कभी मेरा चैप्टर इनका मैं आपको बताया कि गश्तियों की भी इज्जत करता हूँ, कबा खाने वालों की भी इज्जत करता हूँ, ये हमें कह रही लैटरीने तो होते हैं वगैरह वगैरह, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये करे, लेकिन अगर ड्यूटी आपने ये ली रूम सर्विस उसको यहाँ पे कहते हैं, ऑफ रॉयमन भी कहते हैं जो उसके बाद सफाई वगैरह करते हैं, वहां पे वो ना करो जबरदस्ती तो नहीं, अगर ये उनकी मिसाल दे रही है तो डेफिनेट इसका बाप इसका चाचा इसका इसका यार इसका बुलाना उसने वो करता है, तो उसने की करते जी मैं होते लैटरीन साफ करना, ऐसी कोई कतन कोई बात नहीं। जिन जिन लोगों ने वहां पे जो डिग्रियां ली हुई है जो अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर है, इसको वो ख्याल नहीं आए, मेरा बेटा इंजीनियर है पायलट भी है, वो क्या लैटरीन साफ करता है, अजीब वो गरीब किसको, इसने तो मुझे यहाँ भी और भी कितने आतमी यहाँ पाकिस्तानी है। फिर लॉर्ड नजीर क्या लैटरीन तो होता रहा, फिर एक और था दूसरा ब्रिस्टल सुल्तान वो लैटरीन तो होता, मीरपुर वाले जो मंगला डैम में बने थे वो जब इधर आए इंग्लैंड में लेके आए उनका गोरा, तो अच्छी सर्विस करते थे, तो कुछ की उसके नेगेटिव भी हैं, उन्होंने घर में भी चाथी मारी थी ना, तो जो देखा था तो हाँ जी हाँ ठीक है ये कोडेड गुफ्तगू की है, वो बेचारे आके उधर उनके एक तो घर सारे उजड़ गए, मंगला में दरिया बुर्द हो गए जो मंगला डैम बना था उसकी वजह से आए, तो वो उन्होंने दी हो तो मजबूरी है उनकी लैटरीने, मैंने तो पाकिस्तान में भी तो लोग करते हैं, जाइए कभी गई हो पीसी में ये नाइट गुजारने के लिए जरूर गई होगी, ये वासे लेके गया होगा कराची से आता तो पीसी में डरता, या किसी और के पास गई होगी तो इसने फिर देख के वहां चाथी मार ले पूछ ले कि ये जो टॉयलेट किसने साफ की, मैंने उसको इनाम देना तो देना, भागे भागे कितने को मुसलमान ही है कहने, मैं बड़ा तपा बैठा था, मैंने कहा मैं इसको पहले इसको तो रगड़ा दे दी उसकी थी माँ की, तो कहा थी याद आगू आगे, मैं ओवरऑल मैंने कहा कि मैथ कम्युनिकेशन में जो जो बच्चियां जा रही वो सुई में धागा ना डलेगा तो नहीं तरक्की होगी आगे, आपकी मर्जी
इसमें भी ध्यान है मैथ कम्युनिकेशन में एक्टिंग भी आई थी, डायरेक्शन भी आ जाती, फिर टेक्निकल भी आता, सॉफ्टवेयर भी आता और पता नहीं क्या कुछ बीच में आता है मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो वो सारा जितना भी आप कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने खुद देखा पिज्जा ब्रिगेडियर साहब के आओ तो उसका जुआई अखीर पे मजबूरन बनाना पड़ा था, वो भी मैथ्स कम्युनिकेशन में था। तो ब्रिगेडियर साहब की बेटी भी मैथ्स कम्युनिकेशन में थी, तो वगैरह वगैरह। इसको ये भी मैंने बहुत जबर करके, मेरे पे सख्त सेंसर की पाबंदियां, मैं जब खुल के बयान करता है ना तो बस फिर जन करीब वो जो जीजा जी शकूर साहब है उनका चैनल खुलने वाला, फिर उत्थे प्यार दियां गल्लां पाया करांगे ते सही। उतर मनला दा भनवैया जड़ागा मेरा ना कह दिया करो, उतर मनला का जब कहता ना जीजा जी शकूरा जीजा जी, वो उतर मनला के बनोई है जो उनकी बहन काट के ले गए थे, गया हुआ इंग्लैंड आजकल, वहीं पे गया हुआ छुट्टियां गुजारने के लिए। अजीब शेर नहीं है, ये यूनिफॉर्म जो हमने पहना है अब ये उसका मुकाबला है, तुम अदालतों में घुस सकते हो तो जीएसटीओ भी हमसे दूर नहीं है। मैं इस हाउस के आगे तजवीज रखूंगी, मैं आपको एक थोड़ा सा जिक्र करूंगी माजी का कि पाकिस्तान की तारीख में रेंजर्स के खिलाफ एक मुजाहरा हुआ, उस मुजाहरे में आपकी बहन भी थी, ये आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और आज जीएचक्यू के बाहर जो मुजाहरा होगा, मैं हम उसको लीड करेंगे, मैं बतौर नायब सदर हाई कोर्ट बार, मगर मेरा हाउस हेलो जनाब अली खान साहब ने वकला को आगे किया, इसको भी टिकट मिलेगा, ये मिल गई करो ना असली जे, उसको पता लग गया था कि मैंने तो इतना बड़ा किसी की चाबी भरने पे बयान दे दिया, इसने हद से तजावज किया, नहीं करना चाहिए था। तो ये घर से निकल गए, छापे मारते फिर रहे हैं, इसके अब्बे को पकड़ लिया है, ये नहीं आपको कोई बताएगा, ये हम बताएंगे, मैंने सुनवाना नहीं था। तो इसके अब्बा जी को पकड़ लिया कि बेटी पेश कर, उन्होंने कहा जी मैं दल्ला थोड़ा ही, मैं बेटी पेश करा वगैरह वगैरह। लेकिन वकला को टिकटें ज्यादा सारी मिल रही हैं, और को बंदा कोई नहीं, हरकत उठा के ले जाते हैं, हर बंदे को तो उठा के ले जाते हैं, इसको भी टिकट मिले और लोगों को मिलेगा, लेकिन ये टिकट पहुँचाएगी, भागेगी नहीं, ये दिलेर है, ये टिकट पहुँचाएगी। अभी फिर जो कहता है जो उधर गया ना हरकारा, वो उन्होंने कहते हैं चलो मैं ओपन ही बता दे रहा हूँ कि इसके साथ बलात्कार मैंने करना है जी, आपस में ही लड़ पड़े हैं कि जब चुकना तो इसके साथ बलात्कार मैंने करना, लाहौल वाला कुतिला बिलाल रिजी, ये जो इमरान खान माफिया देता फिर रहा ना, इसको शर्म नहीं आती, बाजी आ रही आप ही जाके समझा लेना, फिर कहना तू खान गाला कटदा कि इसको इस आई जी को कह मैंने इसको माफ नहीं करना, मैं जब आऊंगा या मैं वसीयत करके जा रहा हूँ
या मैं मर गया तो इसको फिर भी आईजी के ऊपर आपने बड़ा सख्त एक्शन लेना है, कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे दलेर अभी वकला और आ रहे हैं, जो जो जितना जितना गोड़ मीठा डालेगा इनको टिकट मिलने, बाकियों को टिकट कोई नहीं मिलने। और नियाजी बुल्लर ने कहा मेरा पुत्र अगे ना कर, अपने पुत्र बुला, अपने पुत्र बुला, मेरे पुत्र नो तो माफ कर। वो कल उसने ओपनली कह दिया कि मेरे बेटे को ना कर, अपने बेटे बुलवा, उनको आगे कर, मेरे बेटे को अब तेरी मेहरबानी माफी दे दे वगैरह वगैरह। लेकिन रहता कहीं अलहदा ही है, और हलीमा बाजी अलहदा कहीं रहती है वगैरह वगैरह। उनके मकान का भड्डा भी हलीमा बाजी कहती मैंने कमाया, पाकिस्तान जिंदाबाद।